नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के गुमला के चैनपुर में अनुमंडल अस्पताल बनने को लेकर की गई आम सभा। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रस्तावित 50 बेड का अनुमंडल अस्पताल की जमीन को लेकर जमीन मालिकों एवं ग्रामीणों के साथ आम सभा की गई, जिसमें सभी लोगों के साथ बैठक कर अस्पताल के लिए जमीन देने पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से चैनपुर में अनुमंडल अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन देने का निर्णय लिया। वहीं ज़मीन मालिकों ने अपनी ज़मीन देने के एवज में ज़मींदाता को सरकार की तरफ से एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। मौके पर उपस्थित चैनपुर मुखिया शोभा देवी एवं थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारे चैनपुर के लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है जो यहाँ अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल के बनने से मुख्यालय क्षेत्र सहित जारी तथा डुमरी प्रखंड क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस मौके पर मुख्य रूप से ग्राम प्रधान नारायण बेग, जिला परिषद सदस्य मैरी लकड़ा, रामपुर मुखिया दीपक टोप्पो, नवीन कुजूर, वाल्टर कुजूर, पात्रिक कुजूर, हेमलता कुजूर, भारती देवी सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कुमला संवाददाता राजन पांडे की रिपोर्ट।